लगता है कि ट्रंप ने जो बात कही है उसमें तो मोदी सरकार को फौरन रिएक्ट करना चाहिए था। वो तो हिंदुस्तान को सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है क्या? वो खुद बता दें, खामोशी की खामोशी क्यों मेंटेन कर रहे हैं, खामोशी को तोड़ते क्यों नहीं? अमेरिका का सदर कह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो सरकार पूछे ना ये प्रॉब्लम नहीं है, गलत कह रहे हैं वो। और अगर नहीं कहेंगे तो उसका मतलब है कि भारत में हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम है, उसने ये बात कही। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैं मीडिएट करूंगा, फिर वही बात आ गई। अरे ये क्यों मीडिएट करेगा भाई, ये तो बेगानी शादी में ट्रंप दीवाना हो रहा है, इसका ताल्लुक ही नहीं है इनको, क्यों मीडिएट करेंगे? ये तीसरी मरतबा उन्होंने एक महीने में कह दिया कि मैं मीडिएट करूंगा, और एक ही सांस में कहता है कि मोदी और खान मेरे दोस्त हैं। क्या हो क्या रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है इस देश की, और क्यों हम इतना डर रहे हैं ट्रंप से कि रिएक्ट भी नहीं कर रहे? वो कह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, तो कहता है कि मैं मीडिएट करूंगा। एक क्लियर कट एक पॉलिसी सरकार को लेनी चाहिए, और साफ और वाज अल्फाज में कहना पड़ेगा कि आपकी जरूरत नहीं है हमको। रेट की बात करें या फिर रेट की बात करें, वो ये क्या मतलब है? तो ये तो सरकार की खामोशी जो है एक कमजोरी की निशानी बन रही है।